हेलो स्टूडेंट दिस इज़ पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एसबीएस लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर वी आर स्टडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द प्रोसीजर ऑफ़ द रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड इट्स डिस्पोजल तो इस क्वेश्चन uh, के अंदर आपने पढ़ना है कि एक रिक्वेस्ट जो है कैसे डाली जा सकती है किसी इंफॉर्मेशन के लिए और प्रोसीजर क्या है रिक्वेस्ट का और कैसे उसका डिस्पोजल किया जाता है तो अंडर द सेक्शन थ्री ऑफ द राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट टू थाउजेंड फाइव एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ राइट टू इनफॉर्मेशन सेक्शन थ्री के अंडर जो है हर एक इंडियन सिटीजन को जो राइट right है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकता है रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन तो रिक्वेस्ट कैसी की जाएगी सेक्शन सिक्स में बता रखा है द पर्सन डिज़ायर्स ऑफ रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन शैल हैव टू अप्लाई इन राइटिंग टू द इलेक्ट्रॉनिकली इन हिंदी इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज द रीजन ऑफ टू द फॉलोइंग सेक्शन सिक्स में बताया गया कि एक पर्सन जो कि कोई इन्फॉर्मेशन की डिज़ायर रखता है उसको अप्लाई करना पड़ेगा इन राइटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हिंदी में इंग्लिश में या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज को में किसको टू द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को या सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को द एप्लीकेशन कैन ऑल्सो वी मेड औरली विच कैन दैम इन देन बी रिटर्न इन राइटिंग वो औरली भी कर सकता है फिर लेकिन उसको राइटिंग में वहाँ पर करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ दैट ऑफिसर कंटेंट क्या होंगे द पर्टिकुलर ऑफ द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी मैंशन इन द एप्लिकेशन फॉर्म एंड द फिक्स फी विल ऑल्सो वी पेबल तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉमेसन चाहिए उसके सारे कंटेंट आपको बताने पड़ेंगे और जो प्रेसक्राइब फीस है वो आपको देनी पड़ेगी नॉन नेसेसरी टू गिव रीज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सिक्स क्लॉस टू ये बताता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए इसका रीज़न जो है वो बताना वहाँ पर जरूरी नहीं है स्वरूप सिंह हरिया नायक वसिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केसेस में रीज़न फॉर इन्फॉर्मेशन नीड नॉट टू बी स्टेटेड इन एंड द ऑपरिंग इन्फॉर्मेशन रीज़न आपको वहाँ पे बताना जरूरी नहीं है अरुण लूथरा वसीस छत्तीसगढ़ इंफॉर्मेशन कमीशन के केसेस में यही बोला गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आस्क द पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन वेदर ही हैज़ अ लीगल राइट टू रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन और नॉट एंड वाई ही इज़ आस्किंग फॉर सच इन्फॉर्मेशन तो इस तरीके की कोई भी बात उसको वहाँ पे बताना जरूरी नहीं है कि ये उसका लीगल राइट है या नहीं है और वो क्यों इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांग रहा है तीसरी बात गिविंग डिटेल इंफॉमेशन इट इज़ टू बी मैंशन है दैट द पब्लिक कार्ड फॉर द विच इन्फॉर्मेशन साउट इज नेसेसरी टू गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म अरवाइज द एप्लीकेशन इज लाइबल टू भी रिजेक्टेड तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो पब्लिक कार्ड आप मांग रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक कार्ड से मांग रहे हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने दे रखी हो अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी गीता कुमार वैसे सीट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड के केसेस में भी यही बोला गया इट वॉज हेल्ड द इन्फॉर्मेशन साउट अबाउट अ पर्सन इम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड हिज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट इम्प्लॉय कोई है अगर उसकी क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस ये इन्फॉर्मेशन जो है दी जा सकती है नेक्स्ट है इन द मैटर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इट वाज़ हेल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट दे द हाई कोर्ट रूल्स फॉर ऑप्टेनिंग अ सर्टिफाइड कॉपी द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेड नॉट अप्लाई तो जहाँ पे हाई कोर्ट uh, रूल बनाता है फॉर अपटेनिंग अ सर्टिफाइड कॉपी द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होंगे सेटलमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट सेक्शन सेवन के अंडर जो है अब एप्लीकेशन अगर डाली गई है नॉर्मल रिक्वेस्ट एप्लीकेशन शुड भी डिस्पोज विद इन थर्टी डे तो अगर आपको एप्लीकेशन लगाई गई है तो वो तीस दिनों के अंदर जो उसको डिस्पोजल किया जाएगा मतलब तीस दिन तो तो के अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर पूरी दी जाएगी इफ़ द इंफॉर्मेशन सॉट पर्टेंस टू द लाइफ और लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन फोर्टी आवर्स अगर ये जो इंफॉर्मेशन है उसकी लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो फोर्टी आवर्स के अंदर जो है डिस्पोज ऑफ ये की जाएगी इट इज़ डो बी नोटेड हेयर द अथॉरिटी शाल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन ओनली इफ ही इज़ इन चार्ज ऑफ़ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द विच इन्फॉर्मेशन इन साउट प्रभाकर आ, मिर्धा वसिस्टेट ऑफ झारखंड के इसमें बोला गया कि आ, जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है तभी इन्फॉमेसन प्रोवाइड करेगा जब उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है वो और उस वो वो उस इन्फॉर्मेशन का इंचार्ज भी है वो उसको प्रोवाइड कर सकता है तो यहाँ पे के एल सिंह वसिस्टेट ऑफ मणिपुर में ये बोला गया है कि अगर आ, डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है उसमें डिले होता है और छः महीने से ऊपर का टाइम हो जाता है और कोई भी रीजनेबल वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती है तो पच्चीस हज़ार तक का जो है फाइन जो है अथॉरिटी पे लगाया जा सकता है ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल if any request or information is refused, it shall be communicated to the applicant by the public information officer agar koi information wahan pe dene se refuse kar diya gaya hai to iski communication jo hai us applicant ko karne hogi his request to usko aur us communication uh, के थ्रू उस एप्लीकेंट को बताना होगा कि उसकी रिक्वेस्ट जो रिफ्यूज़ कर दी गई है और उसके पास कितना टाइम है अपील करने का और कौन सी पर्टिकुलर अपील अथॉरिटी है यहाँ पर appeal जो है वहाँ पे कर सकते हैं इन दिस मैटर ऑफ द अरविंद प्रसाद सिंह स्टेट ऑफ बिहार ए आई टू थाउजेंड टेन इट वॉज हेल्ड द पटना हाईकोर्ट द ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर नॉट गिविंग द डिजाइन इनफॉर्मेशन अंडर सेक्शन सेवन इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लियर एंड रीजन इट इज डिजायरेबल टू द मैंशन द फॉलोइंग थिंग्स वैदर द एप्लीकेशन हैज़ बिनजेक्टेड दट इज कम्युनिकेशन हैज़ बिन रिफ्यूज तो अगर आप टाइमली जो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी हो सकती है और अगर आपने इंफॉमेसन वो जो है वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया है तो वो एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है और इसकी कम्युनिकेशन करना जरूरी है और हैज़ देयर बीन एनी एनिमलिस और वहाँ पर कोई दुर्भावना तो इसके रिगार्डिंग नहीं है वेदर द इंफॉमेसन हैज़ नॉट बी प्रोवाइड विद इन दस रूटल टाइम और ये भी देखना जरूरी होगा कि अब वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो टाइमली प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई ये सारा तरीका है किस तरीके से आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे इफॉर्मेशन uh, के लिए और किस तरीके से उसका डिस्पोजल ऑफ जो है वहाँ पर किया जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है वट डू यू मीन बाय द पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है और पब्लिक वट इंफॉर्मेशन इज़ द पब्लिक अथॉरिटी नॉट ऑब्लेज टू प्रोवाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है और वो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उसके लिए देने के लिए वो जो है लाइबल वहाँ पे नहीं है तो सेक्शन फाइव के अंडर जो पब्लिक अथॉरिटी को बता रखा है पब्लिक अथॉरटी मीन्स एनी अथॉरटी और बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेबलिश और इन ऐसी कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी और बॉडी या सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाया गया है या फिर पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंडर बनाया गया है या स्टेट लॉ के अंडर जो है उसको बनाया गया है या फिर बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रूवल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड एनी बॉडी ऑन कंट्रोल सस्टेनेबली इन फाइनेंस या उस बॉडी को ऑन किया जा रहा है कंट्रोल किया जा रहा है या उसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैशली फाइनेंस या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको फाइनेंस वहाँ पर किया जा रहा है डायरेक्टली इंडायरेक्टली बाय फंड प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ये फ़ंड जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट गवर्नमेंट से आ रहा है तो इस तरीके के सारे जो बॉडीज़ होंगी उनको पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पर माना जाएगा वट इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिक अथॉरटी नॉट ऑब्लेज टू बी प्रोवाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है आ, जो कि इस एक्ट के अंडर जो है प्रोवाइड कराना पब्लिक अथॉरिटीज़ की लाइबिलिटी में नहीं आता तो सेक्शन एट के अंदर जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टू थाउजेंड फाइव के अंडर बता रखा है वो ट्वेल्व टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिक अथॉरिटी बाउंड नहीं है किसी भी सिटीजन को देना पहले आए यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रुडिशली अफेक्ट द सवरिटी एंड इंडिक द इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे जो है देश की प्रभुसत्ता और जो एकता है वो जो है प्यूडिशली uh, जो हर्ट होती हो या ऐसी कोई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिससे स्टेट का इंटरेस्ट जो है हैमर होता हो लीड टू देंट अगर उससे कोई ऑफेंस होने की संभावना होती हो इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पनिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल और द डिस्क्लोजर ऑफ विच मे कॉन्स्टिट्यूट कंटर्ट द कोर्ट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने जो है डिस्क्लोज करने से जो है मना कर रखा है और अगर वो ऐसा करते हैं तो कंटर्न द कोर्ट जो है माना जाएगा इन्फॉर्मेशन द डिस्लोजर ऑफ़ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उसका डिस्क्लोजर होता है अगर वो सामने आती है तो उससे जो पार्लियामेंट के जो विशेषाधिकार हैं स्टेट लेजिस्ट्रेट के जो पर, जो विशेषाधिकार हैं उनका हनन होगा इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द कमर्शियल कॉन्फिडेंस ऐसी इन्फॉमेसन जो कि कमर्शियल कॉन्फिडेंस में है ट्रेड सीक्रेट हैं इंटेलक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी भी जो है वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है इफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन द फ्यूडिशियल रिलेश फ्यूडिशियल रिलेशनशिप में जो इन्फॉर्मेशन है जैसे विटनेस इंफॉमेशन बिटवीन द फिजिशियन एंड पेशेंट पेशेंट और फिजिशियन के बीच में जो इन्फॉमेशन शेयरिंग हुई है उनको भी डिस्क्लोज वहाँ पर नहीं किया जा सकता है लॉयर और क्लांट क्लाइंट के बीच में जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन uh, होती हैं उनको भी जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट से जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव गई है की गई है उनको भी जो है शेयर नहीं किया जा सकता पब्लिक के साथ इन्फॉर्मेशन द डिस्लोजर ऑफ विच वुड इंडेंजर द लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर उसका डिस्कलोज हो जाता है तो किसी पर्सन की फिजिकल uh, सेफ्टी या लाइफ पे जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन असिस्टिंग गिवन इन कॉन्फिडेंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी पर्पज सिक्योरिटी पर्पज से जो इंफॉर्मेशन सीक्रेट है अगर उसको प्रवील करने से अगर उसको डिस्कलोज करने से जो है सिक्योरिटी इशू हो सकता है तो उसको भी वहाँ पर uh, जो है एक्सेस uh, करने से रोका जा सकता है कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग द डिस्कशन विद मिनिस्टर्स सेक्रेटरीज ऑफ अदर ऑफिशियल्स आर नॉट बी डिस्कलोज कैबिनेट पेपर जो होते हैं और जो मिनिस्टर्स की जो डिस्कशंस होती हैं सेक्रेटरीज़ की जो ऑफिशियल डिस्कशन जो होती हैं उनको भी रोका जा सकता है डिस्क्लोज करने से इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू द पर्सनल इन्फॉर्मेशन द डिस्लोजर ऑफ विच हैज़ नो रिलेशनशिप विद द पब्लिक एक्टिविटी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है इस इन्फॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करने से रोका जा सकता है या फिर पब्लिक अथॉरिटी को ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील करने से करने के लिए ओब्लिज नहीं है अलाइबल नहीं है इन द मैटर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड चार्ट अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया शौनक एच सत्या ए आई टू थाउजेंड इलेवन सुप्रीम कोर्ट है इट वॉज हेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट दैट इन important एज right the राइट right टू information इज इक्वली important द राइट टू information नॉट टू डिस्क्लोज जितना इंपॉर्टेंट ये राइट है कि आपको राइट टू information है उतना ही important ये राइट भी है पब्लिक अथॉरिटीज़ का कि किसी इंफॉर्मेशन को जो है डिस्क्लोज होने से रोका जा सके दूसरा है दिल्ली मेट्रो रेल Corporation लिमिटेड वसी सुधीर बोहरा ए आई टू थाउजेंड इलेवन का केस है इट वॉज हेल्ड दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ डेमोलिस्ट मेट्रोपिलर इज़ नॉट कंसिडर्ड एग्जाम्टड तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को भी एग्जाम वहाँ पर नहीं किया जा सकता है जसमीत कौर वसी स्टेट ऑफ उत्तराखंड ए आई टू थाउजेंड सेवेंटीन का केस है इट वॉज़ हेल्ड दैट द वाइफ वॉज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल एक टीचर वाइफ जो है एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में एंड हस्बैंड वॉन्ट टू नो अबाउट द सैलरी हस्बैंड उसकी सैलरी के बारे में जाना चाहता है द हस्बैंड इज कंसर्ड एंड टूट इनफॉर्मेशन तो हस्बैंड को ये राइट right है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है क्योंकि ये अपने आप में एक पब्लिक रिकॉर्ड वहां पे है केरला पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट द नेम ऑफ द पर्सन हु परपेयर द क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर किस पर्सन ने सेट किया और uh, किस पर्सन ने उस एग्ज़ामिनेशन के आंसर शीट को चेक किया ये इन्फॉर्मेशन जो है सेक्शन एट के अंडर के डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती है तो यहाँ पर ऐसी वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी हैं जिनको जो है डिस्क्लोज़ uh, करने की जिम्मेवारी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी की नहीं होती है सेक्शन एट के अंडर जो ये प्रोहबिटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर हैं थैंक यू सो मच